22 जनवरी को राम मंदिर में गर्भगृह में लगने वाली भगवान रामलला की मूर्ति फाइनल हो गई है। राम मंदिर ट्रस्ट ने मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति को फाइनल कर दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। अरुण योगीराज ने कृष्ण शिला पर 5 साल के रामलला की मूर्ति बनाई है। कृष्ण शिला को कर्नाटक के काराकाला से निकाला गया है। पिछले साल फरवरी मार्च में इस शिला का चयन रामलला की मूर्ति बनाने के लिए किया गया। इसके बाद कर्नाटक से 10 टन वजनी, 6 फीट चौड़ी और 4 फीट मोटी शिला अयोध्या लाई गई, जिस पर अरुण योगीराज ने भगवान रामलला का विग्रह तराशा है। तो आपको बता दें, दरअसल 3 मूर्तियां थी जिनको लेकर कहा जा रहा था कि इनमें से कोई एक मूर्ति फाइनल होगी और मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति का चयन हुआ है जो 5 साल के रामलला को दर्शाती है। उनके विग्रह को इस मूर्ति पर उकेरा गया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ये तस्वीर प्रहलाद जोशी ने साझा की और उसके साथ ही जानकारी दी कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो मूर्ति लगेगी वो अरुण योगीराज द्वारा रामलला की बनाई गई मूर्ति है। केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक से सांसद प्रहलाद जोशी का सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल हो गया है। प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए दावा किया है कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है। प्रहलाद जोशी ने रात 10:34 पर ये पोस्ट किया। इस पोस्ट में धनुर्धारी मुकुट से सुशोभित भगवान राम, माता जानकी, बगल में हाथ बांधे हुए लक्ष्मण और चरणों में शीश झुकाए हनुमान हैं। साथ में जो शख्स इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं वो हैं अरुण योगीराज। ये वही शख्स हैं जिन्होंने देश में बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई हैं। इस पोस्ट के साथ कन्नड़ में प्रहलाद जोशी ने जो ट्वीट किया है उसे हम आपको हिंदी में दिखाते हैं। प्रहलाद जोशी ने लिखा है, जहाँ राम है वहाँ हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो गया। हमारे देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार, हमारे गौरव अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। ये राम हनुमान के अटूट रिश्ते का एक और उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए ये एक महत्वपूर्ण सेवा है। प्रहलाद जोशी के इस पोस्ट में वही मूर्ति दिखाई गई है जो मूर्तिकार अरुण योगीराज की वेबसाइट www.arunyogiraj.com पर पहले से ही अपलोड की हुई है। प्रहलाद जोशी के इस पोस्ट के बाद मूर्तिकार अरुण योगीराज के घर में खुशियों की लहर दौड़ गई है। योगीराज की माँ तो खुशियों से फूली नहीं समा रही। तुमने खुशी आगता इदे और तंदे इरबेकागितो तुमने खुशी पट्टो इदमाडरो मत्ते ननगू खुशी आगता इदे इडी प्रपंचवे नन मगनदिद नोडुत्ते अंत खुशी पडतीनि। अरुण योगीराज जाने माने मूर्तिकार हैं। इससे पहले केदारनाथ में समाधि के पास लगी जगतगुरु शंकराचार्य की मूर्ति भी बना चुके हैं। खुद पीएम मोदी ने इस मूर्ति का अनावरण किया था। आज लाखों भक्त जब केदारनाथ आते हैं तो अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति के दर्शन करना नहीं भूलते। दिल्ली में इंडिया गेट के ठीक सामने कैनोपी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियां भी अरुण योगीराज ने ही बनाई है। आज दुनिया इसे सैल्यूट करती है। अरुण योगीराज कितने माहिर मूर्तिकार हैं ये उनकी प्रोफाइल पर लगी तस्वीरें और वीडियो बताते हैं। अब जबकि देश के करोड़ों श्रद्धालुओं को अयोध्या में राम मंदिर के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन का इंतजार है, ऐसे में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के इस पोस्ट से धड़कने तेज हो गई हैं, साथ ही सवाल भी खड़े हो गए हैं। इंटरनेट पर यूजर्स सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये वही मूर्ति है जिसे राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा, या ये मूर्ति केवल प्रतीकात्मक है, रामलला की मूर्ति दूसरी है। सवालों के बीच ये तय हो चुका है कि अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति ही प्राण प्रतिष्ठा के दिन लगाई जाएगी। यही वजह है कि अरुण योगीराज के घर में जश्न का माहौल है। संतोष आगता है, प्राउड आगता है, नमगे तुम्बा हेमेय विषय इदु। नमगे फुल ओंतरा जीवन सार्थक ಮಾಡಿಸಿಬಿಟ್ರು। ಖುಷಿ ಅಂತೂ ಆಯಿತು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು,
ಮತ್ತು ಇದು ನಮಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಸತ್ಯನ ಏನು ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ. ಆ ಥರ ಇರುವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 100% ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ರಿಸರ್ಚು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯೂ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆಗಲಿ, ಆ ದೇವರು ಕಾಣಿಸೋವರೆಗೂ ದೇವರು ವಿಗ್ರಹ ಕೆತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅವರು. अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम का उनके महल में प्रवेश होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अभिजीत मुहूर्त में रामलला को प्राण प्रतिष्ठित करेंगे. ट्रस्ट की ओर से जो सूचना दी गई है उसके मुताबिक राम मंदिर में पीएम मोदी रामलला की जिस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करेंगे वो भगवान राम के बाल रूप की होगी, जिसमें भगवान 5 वर्ष के होंगे, जो सभी का मन मोह लेंगे. जिस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी उनकी ऊंचाई 51 इंच होगी. सोने के जिस सिंहासन पर रामलला विराजमान होंगे उसकी ऊंचाई 8 फीट होगी. 5 साल के रामलला धनुष बाण लिए होंगे, उनका रंग श्याम वर्ण होगा. जमीन से मूर्ति की ऊंचाई करीब 75 इंच होगी. राम मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति इस तरह से स्थापित की जाएगी ताकि 30 मीटर दूर से श्रद्धालुओं को रामलला के भव्य दिव्य दर्शन हो सके. प्रधानमंत्री मोदी खुद मूर्तिकार अरुण राज योगी के कला के कायल हैं. पीएम मोदी कई बार उनकी तारीफ कर चुके हैं. अरुण योगीराज प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज शिल्पी के बेटे हैं. 2008 में मैसूर विश्वविद्यालय से अरुण योगीराज ने एमबीए की पढ़ाई की है. उन्होंने अब तक देश में अलग अलग जगह स्थापित कई प्रसिद्ध मूर्तियां बनाई हैं. अरुण योगीराज के पिता को वाडियार घराने के महलों में खूबसूरती देने के लिए भी जाना जाता है. ದಲ್ಲೇ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಥರ ಖುಷಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಾಯಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸನೇ ಆಗೋಯ್ತು, ಯಾರೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಅವನು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ MBA ಮಾಡ್ದ, ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಂದನೂ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮನೇಲೂ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮಾಡೋದು, ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ MBA ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಇದು ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಇದೇ ಒಲ್ವು ಅವನಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಅವನಿಗೇನು ಇದೇನು ಅಂತ ಅನಿಸೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಿದ್ದ. अयोध्या आकर भगवान राम के भक्तों को रामलला के साथ साथ 33 कोटि देवी देवताओं के भी दर्शन होंगे. अब देश विदेश के करोड़ों हिंदुओं को प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है 22 जनवरी के उन 84 सेकंड का, जब रामलला का विग्रह प्राण प्रतिष्ठित होगा.